हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और मेरा क्या आपका अपना चैनल है उरफान मलिक ऑटो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उरफान अंसारी ब्लॉग के बारे में। उन्होंने एक चैनल बनाया हुआ था, आप लोग काफ़ी लोग जानते भी होंगे उसके बारे में। वो बाइक की रिपेयर की वीडियो बनाते हैं, BS6, BS4, BS3 की, और काफ़ी ग्रो कर रहा था उनका चैनल। 1,13,000 सब्सक्राइबर थे उनके। उनका चैनल किसी ने हैक कर लिया है, तो वो हैकिंग किसने किया है या कैसे वापस आएगा, वो इसके लिए मनोज डे के पास गए थे। जो मनोज डे हैं, उनके 13 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने उसका समाधान बताया है। और मैं भी दोस्तों बाइक की वीडियो बनाता हूँ रिपेयर वगैरह की, BS6, BS3, BS4 वगैरह की, तो मैं भी कुछ अपने बारे में आपको बताने वाला हूँ। मुझे जस्ट ही अभी ट्रेनिंग हुई है BS6 की, उसके बारे में कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। और आपको उल्फत अंसारी के बारे में कुछ नॉलेज देने वाला हूँ, वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है उल्फत अंसारी। 6 दिसंबर 2017 में इन्होंने अपना चैनल क्रिएट किया था। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की थी। आज के डेट में इनके 1,13,000 सब्सक्राइबर थे, और जो यूट्यूब से इनकम आती थी 10 से 15 हज़ार रुपये इनकी इनकम आती थी। लेकिन दोस्तों, इनका चैनल किसी वजह से हैक कर लिया गया है, और ये इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों, इनके लिए दुआ करें आप कि जल्द से जल्द इनका चैनल वापस आ जाए। और इनका चैनल वापस करने में मनोज डे इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। ये मनोज डे के पास गए थे, और जिस बंदे ने भी इनका चैनल हैक किया था उल्फत अंसारी का, उस बंदे ने नाम रखा था एशी लाइव इस चैनल का। लेकिन दोस्तों, दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं कि इनका चैनल जल्द से जल्द वापस आ जाए और इन्हें अपनी वैसी ही तरक्की मिल जाए जैसी थी इनके पास में। दोस्तों, ये है मिस्टर मनोज डे। 13 लाख के समथिंग इनके सब्सक्राइबर हैं। टैक्स से रिलेटेड इनका चैनल है। ऐसे लोगों की मदद करते रहते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे सिखाने के लिए किस तरीके से यूट्यूब का इस्तेमाल करना है, कैसे यूट्यूब पे ग्रो करना है। तो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और मैं इनका फ़ैन हूँ। बहुत अच्छी वीडियो ये बनाते हैं। मैं कुछ अपने बारे में बताऊँगा अब आप। दोस्तों, मेरी अभी जस्ट BS6 बाइक की ट्रेनिंग हुई है। मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये ISG कोड है XL100 का। जब वो ब्लिंक करेगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा किस चीज़ में प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को ये कोड चाहिए होता है, एरर कोड। दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मेरे पास इस समय अपाची का है, TVS की हर बाइक का है। दोस्तों, आगे मेरी वीडियो पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये FI पार्ट जो लगे हुए, सेंसर कितने लगे हुए, BS6 ये स्कूटी पैफ है TVS वालों की। और बहुत जल्द मैं आपको इनके ऊपर डिटेल में वीडियो देने वाला हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ डिटेल में दूंगा। वायरिंग की मैं पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं, पूरा डायग्राम आपको देने वाला हूँ, कहाँ से कौन से तार का कनेक्शन होना है, इश्यू किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, ये डायग्राम है मेरे पास में स्टार सिटी प्लस BS6 का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें पूरी वायरिंग लाइटिंग की दी हुई है, किस तरीके से कौन सा कनेक्शन कहां से कहां है, आपको बहुत हेल्प देने वाला है। मुझे तो हेल्प देगा ही है, और मैं बहुत जल्द इन चीज़ों की डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं थोड़े सब्सक्राइबर मेरे बढ़े, मैं तभी वीडियो बनाऊँ इन चीज़ों पर। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ। ये रेडियोन का डायग्राम मेरे पास में है, लाइटिंग सिस्टम का। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिटेल में अगर वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करें प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, और मैं जल्द से जल्द इन चीज़ों पर डिटेल में वीडियो आपको बना के दिखाऊँ। थैंक यू दोस्तों। TVS के BS6 के हर मॉडल का डायग्राम मेरे पास में है। जल्द से जल्द वीडियो देने वाला हूँ।